साथ में तनिष राठौर हैं जो कि बंगाली चौराहे पर रहते हैं। तनिष जी, आप कब से साइकिल चला रहे हैं? 6 साल की उम्र। मेरे पापा ने मुझे 6 साल की जब उम्र का था मैं तब मुझे बर्थडे गिफ्ट की। और साइकिल से लेकर कोई आपके पास कोई स्टोरी है कि आपने कैसे एकदम साइकिल आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गई? पहले मैं छोटी साइकिल चलाता था, उस समय मेरे पैडल मतलब हैंडल से पैडल पैर और टकराता था। फिर पापा ने मुझे बड़ी साइकिल दिलाई, फिर मैं रेगुलर चलाने लगा। उसके फ़ायदे भी हैं साइकिल के, और बहुत अच्छी बात होती है साइकिल चलाना रेगुलरली, और इससे हम फिट भी रहते हैं। मैं रोज़ मयूर हॉस्पिटल तक साइकिल चलाता हूँ रेगुलरली। साइकिल आपने अपनी एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया, जैसा कि आपने बताया कि आप 6 साल की उम्र से चला रहे थे, तो साइकिल चलाने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ क्या आपकी हेल्थ में, और कुछ आपको बेनिफिट मिले क्या? हाँ, मेरी हाइट बढ़ी है, हाइट बढ़ी है, हाइट मतलब इंक्रीज हुई है मेरी। ओके, पहले मेरी हाइट थोड़ी कम थी और अभी मतलब साइकिल चलाने से इंक्रीज हो चुकी है। ओके, आप साइकिल से क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या आप अपने डेली रूटीन के काम भी साइकिल से ही करते हैं? हाँ, मैं कोचिंग साइकिल से जाता हूँ, कभी कुछ सामान लेने जाना होता है तो भी मैं साइकिल से जाता हूँ, और कुछ काम रहता है छोटा मोटा काम तो भी मैं साइकिल से ही जाता हूँ। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आजकल के नवयुवकों को जो छोटी छोटी बात पर मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, कार उठा लेते हैं, बिल्कुल भी मतलब पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, और साइकिल को भी मतलब वो अवॉइड करते हैं वो लोग, उनके लिए कुछ मैसेज है कि क्या उनको भी साइकिल चलाना चाहिए? ये बात गलत है। अपन साइकिल है, साइकिल छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए रहती है, मतलब मैक्सिमम रेडियस होना चाहिए 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अपन को साइकिल से जाना चाहिए, और छोटे बच्चे स्पेशली रहते हैं उन्हें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, और साइकिल से जाने हैं तो मोटे लोग भी पतले हो जाते हैं। आपका ये कहना है कि साइकिल से मोटापा कंट्रोल में रहता है और बहुत सारी बीमारियों को हम साइकिल चला के काबू में ला सकते हैं? हाँ। अच्छा सर, और कुछ आप कुछ विशेष अनुभव हुआ आपको साइकिल में, ऐसा कुछ कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? मैं बंगाली चौराहे पर रहता हूँ, मेरे यहाँ से कनाड़िया रोड जाता है पीछे के एक रास्ते से। मैंने एक बार बाईपास जाने का ट्राई किया था और मैं सक्सेसफुल हो चुका था, मात्र आधे घंटे में बाईपास होकर आ गया था। कुल कितने किलोमीटर चले उस दिन आप? उस दिन कुल में 6 किलोमीटर चला साइकिल से। अच्छा, कोई साइकिल रेस होना चाहेगी इंदौर में और आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी, मैंने किया था पहले। क्या रिजल्ट रहा उसका? रिजल्ट नहीं रहा, मतलब इतना स्टेमिना नहीं था मुझ में उस समय, लेकिन अब मैं रेगुलर साइकिल चलाता हूँ तो आ चुका है इतना स्टेमिना। इसका मतलब कि फ्यूचर में अगर कोई साइकिल कॉम्पिटिशन होती है तो आप उसको निश्चित ही फेस करेंगे? हाँ, वो मैं टॉप करने का। तो ये थे तनिष राठौर आज मेरे बीच में, जो कि अभी 13 साल के हैं और पिछले 7 सालों से साइकिल चला रहे हैं। ये जब मात्र 6 साल के थे तब से इन्होंने साइकिल का हैंडल अपने हाथ में पकड़ लिया था। तनिष जी, आपने अपनी स्टोरी शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।